हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन 1, 2, 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या दी हुई है आपको, पढ़ते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एज का के रेसिप्रोकल का सम, रहमान की जो एज है उसके रेसिप्रोकल का सम 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो उसकी एज है उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। कैसे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, क्या मान ली, एक्स 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले क्या थी, एक्स माइनस 3 और 5 साल बाद क्या होगी, एक्स प्लस 5। फिर कंडीशन क्या दे रखी है कि इनके रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/x-3 और इसका रेसिप्रोकल 1/x+5, उसका सम प्लस कर देंगे, किसके इक्वल दे रखा है, 1/3 के इक्वल दे रखा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x-3 × x+5, x+5 और 1 के मल्टीप्लाई x+5, इसके और इसके मल्टीप्लाई प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3। x 2x और 5 में से 3 जाएगा प्लस का 2/x-3, x+5 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के और इसके मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, x-3 × x+5 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6x + 3 × 2 = 6। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, x² + 5x-3x - 15 और अपोजिट साइड में +6x + 6। x² 5 में से 3 जाएगा 2x-15, इसको इधर लेके आएंगे -6x - 6 इज इक्वल टू 0। x² 6 में से 2 जाएगा -4x और 15 और 6 = 21 इज इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई 21 आ जाए, प्लस माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। x² 7 और 3 आ जाएगा, x² -7x + 3x - 21 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आया, x अंदर क्या बचेगा, x-7 प्लस इन दोनों में से कॉमन 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x-7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, x-7 अंदर क्या बचेगा, x+3 इज इक्वल टू 0। अब रखेंगे x-7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और x+3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। लेकिन कभी भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो -3 है उसको हमें रिजेक्ट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। सेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका सम कितना है, 30। हेड शी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर वो मैथ के अंदर 2 मार्क्स ज़्यादा लेती है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसके जो मार्क्स हैं वो 3 लेस हो जाएं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तब उसके जो मार्क्स हैं उनकी प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो उसके दोनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो फाइंड करेंगे। अब हमारे पास पहले तो टोटल दे रखा है कि दोनों में 30 है टोटल, तो मान के चल पड़े लेट मैथ्स मार्क्स, मैथ में हमने कितना मान लिया कि x नंबर आए उसके, और मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, टोटल 30 था, 30 में से मैथ्स के कम कर देंगे तो 30-x कितना आ जाएगा आपके पास, इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। फिर कंडीशन क्या दे रखी है कि मैथ के अंदर अगर 2 नंबर ज़्यादा आ जाएँ तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाएँ तो 30-x कम हो जाएंगे तो माइनस कर देंगे, और फिर उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210 के इक्वल है। अब देखो x+2, 30 में से 3 जाएगा 27-x इज इक्वल टू 210, मल्टीप्लाई करेंगे 27 और x की 27x माइनस x² 27 और 2 की प्लस 54 माइनस 2x इधर लेके आएंगे -210 इज इक्वल टू 0। अब देखो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेके अपोजिट साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस x² और 27 में से 2 जाएगा प्लस के 25, लेकिन -25x हो जाएगा, और 210 में से 54 घटाएंगे 156, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या आ जाएगा, 12 और 13, तो क्या आ जाएगा, x²
25 के फैक्टर कर दिए माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x अंदर बचेगा x माइनस 12, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो x माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो अंदर क्या आएगा, x माइनस 13 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट को जीरो रखेंगे, सेकेंड को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 13 और 12। इफ़ द मार्क्स इन मैथ्स आर, तो मैथ्स में उसके मार्क्स कितने मान लिए हमने मैथ्स में उसके मार्क्स, क्योंकि एक्स था, एक्स की दो वैल्यू आ गई, तो मैथ में हमने उनके मार्क्स कितने मान लिए, 12। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ जाएंगे, 18। और अगर हमने मैथ में कितने मार्क्स मान लिए उसके, 13, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 - 13 17। ये हमारे दोनों वैल्यूज से निकाल लिए हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट क्या है, द डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगल की आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, खेत दे रखा है, उसका डायगनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, उसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है उससे 60 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, और जो उसकी लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा उसकी शॉर्टेस्ट साइड से। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, फील्ड की साइड फाइंड करेंगे कैसे, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल की शेप है, तो मान ली हमारे पास ये किसकी शेप आ जाएगी, आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल की शेप लेके चले, इसके बीच में से अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, डायगनल। क्वेश्चन में बोल रखा है सबसे जो शॉर्टेस्ट साइड है ये हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स। फिर दे रखा है जो लॉन्गर साइड है वो इससे 30 ज़्यादा है, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो डायगनल्स है वो क्या दे रखा है कि जो हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड है उससे 60 ज़्यादा है, तो जो डायगनल है वो कितना हो जाएगा, x प्लस से 60 आ जाएगा। तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कैसे, बाई पीजीटी से, ये x है तो ये भी क्या होगी, x है। अब हमारे पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई, और ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल है। और फिर हम क्या लगा देंगे, पीजीटी थ्योरम लगा देंगे, देखो कैसे, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल एक्स आ जाएगी, और लार्जर साइड क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 30। डायगनल्स कैसे निकालते हैं, जो डायगनल है वो हम कैसे निकालते थे, ये हमारे पास डायगनल है, डायगनल का हमारे पास फॉर्मूला है कि दोनों का स्केयर, बेस स्केयर प्लस हाइपरटेन्यूज स्केयर, और उस पूरे का रूट कर देंगे, या फिर इसको बाई पीजीटी थ्योरम भी बोल सकते हैं कि एच स्केयर इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 30 का स्केयर इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे, एक्स स्केयर प्लस इधर हमारे पास रूट है, इधर लेके जाएंगे स्केयर हो जाएगा, बी स्केयर बेस स्केयर प्लस हाइट स्केयर इज इक्वल टू हाइपरटेन्यूज स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा। एक्स स्केयर प्लस इसका स्केयर करेंगे ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 30 का स्केयर क्या आ जाएगा 900, और 32 जहाँ 60x इज इक्वल टू, इसका करेंगे एक्स स्केयर 60 का स्केयर 3600 प्लस 62 जहाँ 120x, एक्स स्केयर 2x² प्लस 60x प्लस 900, इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्केयर माइनस 3600 माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो, 2x² में से एक्स स्केयर जाएगा एक्स स्केयर, और 60 माइनस 120 माइनस 60 आ जाएगा, और 900 माइनस 36 आ जाएगा 27 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर देखते हैं हम क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जानी चाहिए, 2700 और प्लस माइनस करें 60, तो 90 और 30 आ जाएंगे आपके पास फैक्टर, एक्स स्केयर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, x माइनस 90 प्लस दोनों में कॉमन 30 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 90। अब हमारे पास क्या, x माइनस 90 और अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो रखेंगे, या इसको जीरो रखेंगे क्या x is equal to 90, जब x plus 30 is equal to 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, minus 30 आ जाएगा, लेकिन कभी भी जो sides हैं वो negative नहीं होती, तो क्या लिख देंगे, sides can not be negative, तो इसको हमने क्या कर दिया, reject, तो हमारे पास length of shorter side क्या आ जाएगी, 90, और larger side है जो उसकी क्या आ जाएगी, 90 plus 30, कितना आ जाएगा, 120। Next है question number 7।
द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, कि नहीं भी दो नंबर्स के स्केयर का जो डिफरेंस है वो क्या है 180. द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है उसका स्केयर इज 8 टाइम्स द जो लार्जर नंबर है उसके 8 टाइम्स के इक्वल है. फाइंड द टू नंबर्स, उन दो नंबर्स को फाइंड करेंगे कैसे. लार्जर नंबर हमने क्या मान लिया x, स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा y. दो नंबर हैं, दोनों के स्केयर है जो उसका डिफरेंस क्या दे रखा 180, तो x स्केयर. अब बड़ा नंबर है उसमें से माइनस करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा x स्केयर माइनस y स्केयर इज इक्वल टू 180. फिर आपको कंडीशन क्या दे रखी थी कि जो आपके पास शॉर्टर नंबर है उसका स्केयर, जो हमारे पास छोटा नंबर क्या है y, उसका स्केयर किसके इक्वल है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर 8 x के इक्वल है. तो हमारे पास इसका यूज़ कर लेंगे कि y स्केयर की जगह हम क्या रख देंगे 8x. इसमें यूज़ किया x स्केयर, y स्केयर की जगह क्या रखा 8x माइनस 180. इसको इधर ले आए माइनस 180 इज इक्वल टू 0. x स्केयर अब फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा 18 और 10, माइनस 18x प्लस के 10x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. कॉमन क्या आ जाएगा x, x माइनस 18 प्लस दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. अब देखो x माइनस 18 दोनों में कॉमन है और क्या बचेगा x प्लस से 10 इज इक्वल टू 0. इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे माइनस 10 आ जाएगा और इसको x माइनस से 18 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 18 आ जाएगा. लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हम. कैसे नहीं ले सकते, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ये नेगेटिव है बट किसी का भी स्केयर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे. लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लेंगे तो ये कैंसिल हो गया. सो लार्जर नंबर कितना आ जाएगा 18. शॉर्टर नंबर क्या आएगा y square is equal to 8x, हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है. y square is equal to 8 multiply 18, y square is equal to 144, y is equal to square को उधर लेके गए रूट हो जाएगा और ये किसका है प्लस माइनस 12 का, लेकिन नेगेटिव तो हम लेंगे ही नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 नंबर आर 18 एंड 12 और 18 एंड माइनस 12, क्योंकि स्केयर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा हमारे पास. ठीक है ये हमारे पास आए. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले. ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है वो अपनी नॉर्मली स्पीड से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है. इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी, तो वो उसी जर्नी को उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक घंटा कम लेती है. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करेंगे. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या मान लिया x मान लिया, डिस्टेंस क्या आ जाएगी 360 किलोमीटर दे रखी है उन्होंने कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड 360 बाई x. फिर हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया पर आवर बढ़ा देते हैं, अगर बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी x प्लस 5 आ जाएगी. फिर उसका जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, टाइम एक घंटा कम हो जाएगा. तो हमारे पास देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी नई स्पीड, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी फिर x प्लस 5 हो जाएगी और टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, जो पहले टाइम दे रखा है उससे क्या आ जाएगा कम कर देंगे एक घंटा और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. स्पीड मल्टीप्लाई टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम किसके इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा स्पीड हमारे पास x प्लस 5 हो गई, टाइम कितना आ जाएगा 360 बाई x माइनस 1 और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 360 किलोमीटर कवर करेगी. अब इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 5 एज इट इज, इसका एलसीएम ले लेंगे 360 माइनस x बाई x इज इक्वल टू 360. अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा x की और 360 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 360 x आ जाएगा और x की और माइनस x की माइनस x स्क्वायर 5 और 360 की 1800 और माइनस 5x. अब इधर जो x था उधर जाएगा क्या आ जाएगा 360x, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस, दोनों को कैंसिल कर देंगे. इधर क्या आ जाएगा माइनस कॉमन ले लिया पूरे में से क्या आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस का प्लस 5x हो जाएगा और प्लस का माइनस 1800 इज इक्वल टू 0.
अब दो नंबर ढूंढेंगे 5 और 1800 लेके आने के लिए, दो नंबर आ जाएंगे 45 और 40। 45 में से 40 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या लेंगे, x, x प्लस 45, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा और 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 45 कॉमन है तो और क्या बचेगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको 0 रखेंगे तो 40 आ जाएगा, इसको 0 रखेंगे माइनस 45। लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम क्या लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स है इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 fraction 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप्स हैं, कोई भी दो नल हैं जो एक टैंक को फिल कर रहे हैं इन 9 fraction 3/8 आवर्स में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेकन 10 hour लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दोनों को अलग अलग ओपन कर दिया जाता है तो जो लार्जर डायमीटर, जो बड़े डायमीटर का जो टैंक है वो 10 घंटे कम लेता है, किससे, जो छोटे वाला है हमारे पास उससे। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों का अलग अलग में बताना है कि दोनों टैप से अगर सेपरेटली अलग अलग टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो, लेट द टाइम टेकन बाई द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक। जो स्मॉलर पाइप है वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेता है, मान लिया एक्स आवर से। तो लार्जर पाइप कितना लेगा, 10 घंटे कम लेता है, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 10 आवर आ जाएगा। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर पाइप इन 1 आवर। जो हमारे पास स्मॉलर पाइप है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो क्या आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन कर देंगे 1/x आ जाएगा। और लार्जर पाइप कितना भरेगा 1 घंटे में, इसका भी फ्रैक्शन हो गया 1/रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x माइनस 10, क्योंकि हमारे पास ये टोटल दे रखा है। फिर हमने 1 आवर का निकाल लिया तो 1/ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि इन्होंने टोटल ये दे रखा है कि 9 fraction 3/8 hours में कंप्लीट भरते हैं उसको दोनों को, तो दोनों का 1 घंटे का टाइम हमने निकाल लेंगे। इसका भी हम उल्टा कर देंगे, 9 8 जो 72 + 3 75/8 है, और 1 घंटे में कितना भरेगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 8/75। दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों का 1 घंटे का किसके इक्वल आ जाएगा, जो टोटल है उसके 1 घंटे के इक्वल आ गया। तो अब एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 की मल्टीप्लाई एज इट इज प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/75। एक्स एक्स टू एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगी, 75 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 2x माइनस 10 से, और इज इक्वल टू 8x² - 80x आ जाएगा। अब 75 × 150x, और इसकी मल्टीप्लाई 750 प्लस को इधर ले आई -8x², ये प्लस 80x हो जाएगा। -8x² 80x 150x क्या आ जाएगा, 230x, और -750 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 8x² प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस इज इक्वल टू 0। 8 की और 750 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 800 85 + 44 87 = 56 और 600। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 6000 आ जाए और प्लस माइनस करें 230 आ जाए, तो क्या आ जाएगा, 230 की दोनों को प्लस करेंगे तो 230 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 6000। 8x² - 2000x - 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और माइनस 200 की और 8 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 25। माइनस ले लेंगे दोनों में से कॉमन और 30, क्या आ जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 25, इधर क्या है, 8x - 30 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से 25 आएगी और इधर से क्या आ जाएगी, 30/8। तो स्मॉलर पाइप कैन नॉट बी 30/8, जो छोटा पाइप है आपके पास है वो 30/8, क्योंकि 3 point something इतने घंटे में तो फिल कर ही नहीं सकता। तो बिकॉज बाई द लार्जर पाइप विल बी नेगेटिव विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हमारे पास 3.75 hours लेता है तो जो बड़ा पाइप है वो इससे 10 घंटे कम लेता है, तो इसमें से 10 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता टाइम। सो स्मॉलर पाइप कितना टाइम लेगा, 25 hours, और लार्जर कितना लेगा, 10 hours कम लेता है, तो 25 माइनस 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आवर्स।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है? एक एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर जाने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी चलती है और पैसेंजर ट्रेन स्लो चलती है। तो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। अब पैसेंजर ट्रेन स्लो चलती है तो वो टाइम ज़्यादा लेगी और एक्सप्रेस ट्रेन कम लेगी। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, अगर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स, तो दोनों की एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। कैसे? लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है? एक्स किलोमीटर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी है? 11 किलोमीटर ज़्यादा है उससे, तो एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 132 किलोमीटर दे रखी है। अब दोनों काम टाइम निकाल लेंगे, 132 किलोमीटर, तो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी? टाइम ज़्यादा लेगी, ज़्यादा लेगी तो उसको हम आगे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? 132 बाई एक्स। अब एक्सप्रेस ट्रेन वो कम टाइम लेगी, कितना आ जाएगा? 132 बाई एक्स प्लस 11। और कितने दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों में कितने डिफरेंस में जाएंगी? 1 घंटे का। तो इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू 1। 132 एक्स प्लस 132 और 11 की 1452 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू, उधर लेके गए एक्स इंटू एक्स प्लस 11, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको इधर लेके आए माइनस 1, 1452 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के फैक्टर बनाएंगे, 44 एंड 33, डिफरेंस 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1452 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? x क्या आ जाएगा? x प्लस 44, दोनों में कॉमन एक तो माइनस आ जाएगा और 33 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? x और प्लस 44 इज इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन है x प्लस 44 और बाहर क्या बचेगा? x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, क्या आ जाएगा? 33। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 44। लेकिन जो कभी भी स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे पास x की वैल्यू कैसी आ जाएगी? 33 आ जाएगी। द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या आ जाएगी? 33। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी? 11 आवर्स ज़्यादा है, तो 33 प्लस 11 कितना आ जाएगा? 44 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट टाइम लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर इज 468 किलोमीटर स्क्वेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वेयर इज 468 मीटर स्क्वेयर। कोई भी दो स्क्वेयर आपको दिए हुए हैं और दोनों स्क्वेयर के जो एरिया का सम है वो 468 मीटर स्क्वेयर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, और उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है? 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वेयर, दोनों स्क्वेयर की साइड फाइंड करेंगे। देखो, लेट द साइड ऑफ स्क्वेयर इज एक्स मीटर एंड वाई मीटर। दोनों जो हमारे पास स्क्वेयर दे रखे हैं, एक की हमने साइड एक्स मीटर मान ली, दूसरे की वाई मीटर, दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4x एंड 4y हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स होता है ना, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4x एंड 4y हो गया। एरिया क्या आ जाएगा? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर, साइड का स्क्वेयर होता है, और सेकेंड का वाई स्क्वेयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है? 24। तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 24, x माइनस y इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 6। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। और माइनस y को इधर लेके आए, प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू y प्लस 6। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई x की। अब यूज़ करेंगे कैसे? अब जो हमारे पास एरिया है, एरिया के स्क्वेयर का सम कितना है? 468। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? वाई प्लस 6 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468। इसका स्क्वेयर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, वाई स्क्वेयर प्लस 6 का 36 प्लस 6 टू जा 12y प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468 आ जाएगा। वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर,
12y, और 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y इसमें से माइनस कर देंगे, 432 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब देखो 6y और मल्टीप्लाई करेंगे 216, तो क्या आ जाएगा 18 और 12, y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y प्लस 18 दोनों में कॉमन आ जाएगा माइनस 12, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, y प्लस 18 दोनों में कॉमन है, क्या आ जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 12 और माइनस 18, लेकिन स्क्वेयर की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कैंसिल हो जाएगी, y क्या आ गया 12, y की वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा 18, तो ये आपके पास साइड आ गई, एक 12 मीटर आ जाएगी और 18 मीटर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। ओके, थैंक यू।